हेलो भाइयों, स्वागत है आज की वीडियो में। और गाइस, आज हम एक इन्वर्टर बनाने वाले हैं और वो भी एक छोटे से ट्रांजिस्टर से, जो यहाँ पर मेरे पास है, ये देखिए गाइस। तो इससे हम एक छोटा सा इन्वर्टर बनाएंगे और गाइस, इसे आप अपने स्कूल प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन जाता है इन्वर्टर। तो गाइस, चलिए इस इन्वर्टर को बना लेते हैं, लेट्स गो। टोटल हिंदी टेक्निकल। तो इस इन्वर्टर को बनाने के लिए कुछ सामान की हमें जरूरत पड़ेगी, जो यहाँ पर मैंने रख दिया है। तो सबसे पहले एक रजिस्टर हमें लेना है 4.7 किलो ओम का। उसके बाद यहाँ पर 4007 का एक डायोड लेना है। और उसके बाद भाइयों, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लेना है और इसका नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो, 2N3055। तो बस ये हमें सामान लेना है। तो चलिए अब इस प्रोजेक्ट को बना लेते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर को ले रहा हूँ, ये देखिए। तो भाइयों, इसके कनेक्शन पहले देख लेते हैं। तो भाइयों, इस ट्रांजिस्टर की बॉडी तो कलेक्टर होती है, ठीक है। आप यहाँ पर इस तरीके से देखिए, ये इसका ऐसा ज्यादा लग रहा है ना आपको, और इधर कम लग रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको पकड़ना है। तो भाइयों, ये ज्यादा वाला हिस्सा इसका ऊपर होना चाहिए। और भाइयों, इसकी पहली लेग जो है ये एमिटर है और ये बेस है और बॉडी इसकी कलेक्टर है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये देखिए। तो मैं एमिटर लिख रहा हूं और ये है इसका बेस और बॉडी हो गई इसकी कलेक्टर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पहचानना है। तो चलिए कनेक्शन कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें डायोड के कनेक्शन कर देते हैं। ये देखिए, IN4007 का डायोड मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो गाइज, इसे हमें यहाँ पर इसकी जो लाइन वाला हिस्सा है वो तो बेस वाली हिस्से पे हमें कनेक्ट कर देना है। ये देखिए, मैंने कर दिया है। और भाइयों, बिना लाइन वाला हिस्सा इसकी एमिटर लाइन पे कर देना है, ठीक है। और अब हमारे पास यहाँ पर एक रजिस्टर है, ये देखिए, 4.7 किलो ओम का। तो इसे हमें बेस पिन पे यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो चलिए लगा लेते हैं इसको। तो ये देखिए भाइयों, हमने यहाँ पर रजिस्टर को भी लगा लिया है। तो इस तरीके से हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। और अब चलिए इसमें ट्रांसफार्मर के कनेक्शन को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर में एक तरफ तीन तार होते हैं और एक तरफ दो तार होते हैं। तो तीन तार में से बीच वाला तार आपको छोड़ देना है और बचे ये दो तार। तो इन दो तार के कनेक्शन हमें करने हैं। तो भाइयों, इसका पहला जो ब्लैक वाला वायर है, तो ये हमें लगाना है इसकी बॉडी पे यहाँ पर, क्योंकि ये कलेक्टर के साथ कनेक्ट हो रहा है, ये देखिए। तो मैं यहाँ पर बॉडी पे लगा दिया है, आप देख सकते हैं। और बचा इसका दूसरा ब्लैक वाला वायर, तो इसे हमें यहाँ पर रजिस्टर के साथ में लगा देना है, ठीक है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्शन इसके हो चुके हैं। चलिए इसको मैं नीचे उतार देता हूँ। चलिए अब इसमें बाकी के कनेक्शन करते हैं। तो इसकी जो आउटपुट है उसमें हमें यहाँ पर एक होल्डर के कनेक्शन करने हैं। ये देखिए, होल्डर के तार इसमें पहले ही लगे हुए हैं, ये देखिए। तो चलिए फटाफट से होल्डर के साथ में ये दोनों तार को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से ये कनेक्ट हो जाएगा, ये देखिए। तो होल्डर के साथ भी हमारे यहाँ पर ट्रांसफार्मर के तार हमने कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पर एक बल्ब को ले रहे हैं। तो अभी मैं कम वाट का ले रहा हूँ, बाद में ज़्यादा वाट का भी लगा के देखेंगे। तो इस बल्ब को मैंने यहाँ पर होल्डर के साथ में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ये देखिए। और भाइयों, अब चलिए इसमें बैटरी के कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। और बैटरी मैं यहाँ पर 12 वोल्ट की यूज़ करूँगा, ये देखिए, मैंने 12 वोल्ट की बैटरी बना रखी है। इसका वीडियो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो भाइयों, चलिए इसी को हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर कनेक्शन कर दे रहा हूँ। तो ये जो ट्रांसफार्मर का ये बीच वाला तार है, ये वाला, ठीक है, इसे तो हम सीधा यहाँ पर लगा देंगे। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। तो एक तार मैं ओढ़ ले रहा हूँ, ये देखिए, और इसे हम यहाँ पर एमिटर वाली पिन पे लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए लगा लेते हैं इसको भी, फटाफट से लगा लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये देखिए भाइयों, तो इसको मैं यहाँ पर एमिटर की पिन पर लगा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, मैंने लगा दिया है मीटर की पिन पे। तो इस प्रकार से भाइयों, सर्किट हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब चलिए, इसको टेस्ट करने का टाइम आ चुका है। तो ये देखिए, जैसे मैं बैटरी के साथ कनेक्ट करूँगा, ये देखिए भाइयों, जैसे मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, हमारा यहाँ पर बल्ब जल चुका है, देखिए। तो चलिए मैं आपको रूम की लाइट बंद करके, अंधेरा करके दिखा देता हूँ ये कैसा काम कर रहा है, ठीक है भाइयों। तो देखिए भाइयों, मैंने रूम की लाइट को भी बंद कर दिया है। और अब चलिए मैं सर्किट को ऑन करता हूँ, ये देखिए। तो मैं तार लगाने वाला हूँ, ये देखिए भाइयों, जैसे मैंने तार लगाए, आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्किट हमारा एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है। चलिए मैं थोड़ी सी रोशनी बढ़ा देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने रोशनी बढ़ा दी है। और अभी देखिए, मैं तार लगा देता हूँ, ये देखिए भाइयों, जैसे मैं तार लगाता हूँ, बल्ब हमारा बहुत अच्छे तरीके से जल जाता है, ठीक है, आप देख सकते हो। और यही पूरा सर्किट है, ये देखिए, बहुत ही आसान सा सर्किट है ये यहाँ पर पूरा सर्किट इसी से चल रहा है, ये हमारा बल्ब। और चलिए अब मैं आपको इसका यहाँ पर वोल्टेज दिखा दूँ, कितनी वोल्टेज निकाल रहा है। तो एसी पे आपको सेट करना है मल्टीमीटर को, ठीक है। और मल्टीमीटर को मैं यहाँ पर ही रख दे रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो चलिए भाइयों, यहाँ पर इसकी आउटपुट निकल रही है, देखिए। तो मैं लगा के दिखा देता हूँ कितनी आउटपुट दे रहा है। तो भाइयों, देख सकते हैं, लगभग 11 वोल्ट यहाँ पर ये निकाल रहा है, आप देख सकते हैं। तो भाइयों, इतनी वोल्ट में बड़ा बल्ब तो नहीं जलेगा, लेकिन गाइस, ओवरऑल ये हमारा इन्वर्टर काम कर रहा है। ये देखिए, मैंने लाइट को बिल्कुल कम कर दिया है। अभी चलिए देखिए, मैं सर्किट को बंद कर दे रहा हूँ, ये देखिए। तो जैसे मैं तार लगाता हूँ, ये चलिए मैं इधर ही तार आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, जैसे मैं तार लगाता हूँ तो बल्ब हमारा जल जाता है, ये देखिए,
ठीक है भाइयों, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा सर्किट काम कर रहा है, ये देखिए। तो गाइस इस प्रकार से आप इस छोटे से इन्वर्टर को घर पे बना सकते हो। तो चलिए मैं लाइट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो भाई इस प्रकार से हमारा ये छोटा सा इन्वर्टर बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो बस यही हमें दो चार कंपोनेंट की ज़रूरत है। और भाइयों आप इस प्रोजेक्ट को कॉलेज में भी दिखा सकते हो साइंस एग्जीक्यूशन में। तो आज की वीडियो में भाइयों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।